कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार आह्वान संसद का होगा, कहकर जाएंगे संसद पर, इस बार 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। किसान नेता राकेश टिकैत बीते कुछ हफ्तों से लगातार महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं और सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अपने हर संबोधन में वो सरकार को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। मंगलवार को एक सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, तिरंगा भी फहरेगा और पार्लियामेंट पर फहरेगा, ये कान खोलकर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ जाएंगे उन पार्कों में, पार्लियामेंट के बाहर जहां साल 1988 में आंदोलन हुआ, जो पार्क है वहां के, वहां पर ट्रैक्टर चलेगा और वहां पर खेती होगी। जो इंडिया गेट है वहां, जो पार्क है वहां पर भी ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं होगी। या तो बिल वापिस लें, एमएसपी पर कानून बनाएं, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। खैर दोस्तों, यह बयान था राकेश टिकैत का, लेकिन इसी मुद्दे पर बीबीसी से बातचीत करते हुए किसान यूनियन की नेता कविता ने बताया कि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी प्रकार का ऐसा फैसला नहीं लिया है, लेकिन अगर ये राकेश जी का प्रपोजल है तो बैठक में ये कभी ना कभी तो आएगा और तब ही इस पर चर्चा होगी और निर्णय भी लिया जाएगा। आज की तारीख में तो कम से कम संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, अंदर की बात बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के एक और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि किसान मोर्चा टिकैत के इस बयान का समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों, दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद राकेश टिकैत का ऐसा बयान आना, इस पर आप क्या कहेंगे? और यह भी जरूर बताइएगा कि संयुक्त किसान मोर्चा तो इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन राकेश टिकैत खुद, उनके साथ 2-4-5 नेता जो घूम रहे हैं किसान यूनियन के या संयुक्त किसान मोर्चा के, वो क्या ये लोग समर्थन करते हैं? और समर्थन करते हैं तो क्या संयुक्त किसान मोर्चा की बात को रखा आगे रखा जाएगा या फिर राकेश टिकैत की बात को आगे रखा जाएगा? और क्या दिल्ली की पार्लियामेंट पर तिरंगा फहराना और इंडिया गेट के आसपास जो पार्क हैं उनको जोतना, ये कहना क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? क्योंकि वोट क्लब जिस एरिया की वो बात कर रहे हैं उसमें तो 1988 के बाद आज तक कोई आंदोलन हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां पर तो राजीव गांधी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे आंदोलन के लिए। लेकिन ये खेत जुताई की बात कर रहे हैं, सड़क जुताई की बात कर रहे हैं, पार्क जुताई की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।